अक्सर प्यार हम उम्र नाल हुंदा, हम सफर नाल हुंदा, माँ प्यो दा बच्चियां दे नाल हुंदा, साख संबंधियां दे नाल हुंदा। लेकिन अज असी दिल्ली दे सिविल लाइन एरिया दे विच पहुंचे हाँ जिथे काफ़ी आवारा जानवर और पशु ने जिन्हां दी साख लैण वाला कोई नहीं है, सार लैण वाला कोई नहीं है। गर्मी भी इस वक्त काफ़ी उफान ते है, काफ़ी मौसम इस तरीके का है। इस सब दे विच इन्हां जानवरों की देखभाल करना, इन्हां दे खाने पीने का ध्यान रखना काफ़ी जरूरी है। सो इस सब दे विच काफ़ी लोग जिहड़े आ सेवा करते हैं, लेकिन भाई साहब साडे नाल मौजूद ने, इन्हां दी काफ़ी उत्तम सेवा हैगी है, लगातार काफ़ी सालों तो लंबे समय तो जिहड़े आ जुड़े हुए ने। सर नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम डॉक्टर बीपी सिंह। डॉक्टर साहब कब से ये सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से जब गुजर रहे थे देख रहे थे तो आप इनको खाना खिला रहे थे, कब से आप ये सेवा कर रहे हैं? सर मैं 2013 से अनवरत सेवा कर रहा हूँ। उसके पहले हम लोग काम बचपन से ही लगाव था जीव जंतुओं, भूखे बेसहारे लोगों की मदद करने में। लेकिन 2013 से एक सिस्टमेटिक ढंग से एक एनजीओ के अंडर रह करके हम लोग जो है सेवा कर रहे हैं। पूरे भारत में एनिमल से लेकर के चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे बेसहारा हो, उनके भोजन पानी की व्यवस्था यथाशक्ति जितना संभव हो सकता है हम लोग करते आ रहे हैं जी। तो सर जिस तरीके से बात की जाए, पिछले हमें 2 साल कोरोना में भी बिताए हैं, तब ये जानवर सड़कों पर आने शुरू हो गए थे, क्योंकि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बचा हुआ खाना या वैसे खाना डाल जाते थे, लेकिन उन दिनों में काफ़ी परेशानी आती थी। तो उस दौरान आपने किस तरीके की कोरोना के दौरान हम लोगों ने अपनी टीम एक गठित की सुबह दोपहर शाम, और आ करके हम लोगों ने इनके लिए खाना का भी और पानी का भी दोनों की व्यवस्था हम लोगों ने किया। जो है इनको उस समय बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उस टाइम पर इनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी। कभी आप उस समय अगर आते या हमारे कुछ वीडियोज हम आपको देंगे, आप अभी लिंक भेजेंगे देखिएगा आप, तो टूट पड़ते थे खाने के लिए। लेकिन हित अनहित तो पक्षी जाना, पशुओं को पक्षियों को भी ज्ञात होता है कि कौन मेरा अपना है कौन पराया है, तो ये उसी प्यार से मिलते थे, कभी हमला नहीं बोला, प्रेम से खाए पिए और मस्त रहे और उछल कूद किए और निकल गए। सर फ़र्क क्या देखते हैं, इंसान जो है अपना आज खाया कल का भी ध्यान रखता है, परसों का भी ध्यान रखता है, अपना अपने बच्चों का, लेकिन इन जानवरों का क्या सिस्टम है? इंसान और जानवर में आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या देखने को मिला? देखिए इंसान के साथ क्या है कि वो तो खाता है, उसके बाद पूरे अपने लिए ही नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए भी इकट्ठा करने का प्रयास करता है, जबकि जानवरों के लिए नहीं, जानवर ऊपर वाले भरोसा करता है, आज उनको दिए खाए पिए पेट भरा चले गए, कल फिर उसी ऊर्जा के साथ फिर होते हैं कि हमको कुछ कहीं से मिल जाएगा। तो ईश्वर पर अगर अटूट विश्वास किसी को है तो जानवरों का है, मनुष्य का तो रह ही नहीं गया है, मनुष्य तो अपना पेट भरने में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो आते हैं, मदद करते हैं, खिलाते हैं, और हम भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में लोगों से अपील करना चाहते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित रखें, और जो भी हमारे ऊपर आश्रित हैं जीव उनकी हम विशेष ध्यान दें, क्योंकि जैसे भूख प्यास मुझे लगती है ऐसे ही भूख प्यास जानवरों को भी लगती है। जैसे दर्द और चोट भावना संवेदना हमारे अंदर, वैसे इनके अंदर भी है, इसलिए हमारा धर्म है, क्योंकि हम सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं तो हमारा धर्म है कि हम इनकी सेवा करें, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो सर बात करें, कोई ना कोई कारण जुड़ा होता है ज़िंदगी में, जिस तरीके से जानवरों के प्रति प्रेम आना या कुछ ना कुछ कारण रहते हैं ज़िंदगी में, या घर से प्यार हट जाना या कुछ, तो आपका इस सेवा में आने का कारण क्या रहा? जानवरों से शुरू से ही प्यार रहा, या कौन सी ऐसी कोई घटना जुड़ी आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको इनके साथ प्यार? जानवरों से मुझे शुरू में ही प्यार रहा, शुरू से ही प्यार रहा, और मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा, तो साहित्य अगर देखेंगे तो साहित्य में संवेदनाएँ और सब प्रेम ये सब एक उसका हिस्सा है, तो हमारे मन में था। धीरे 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 हम लोग काम करते रहे, काम करने के साथ साथ बहुत लोगों से जुड़ाव हुआ, मिलाप हुआ, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, उसके बाद एनजीओ का गठन हुआ और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, और काम करने के साथ बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग मिला, साथ मिला, तो आंतरिक प्रेरणा बढ़ती गई और हम लोग काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है, और ईश्वर अगर करेगा तो प्रकृति के लिए पर्यावरण के लिए हम लोग अच्छा काम करेंगे। अभी जो है 5 जून को हम लोगों ने अमृतसर में एक कार्यक्रम रखा है पर्यावरण के लिए। पिछले साल पर्यावरण पे हम लोगों ने 10,000 वृक्ष लगवाए थे, और अब की प्रयास है कि कम से कम 10 से 15,000 वृक्ष लगवाएंगे, और अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं कि वृक्षारोपण, प्रकृति संरक्षण, जीवों का संरक्षण। अभी हमने एक कार्यक्रम चलाया है 10 से 20 अप्रैल का पूरे भारत में, कि जो भी मूक पशु पक्षी हैं इनके दाना पानी की व्यवस्था किया जाए, खाने की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि हम अपने खाने की व्यवस्था कर लेते हैं, शाम को कहीं ना कहीं से कमा के लौटते हैं तो अपनी और अपने बच्चों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था
करने के लिए, चूँकि इनका हमने जो प्राकृतिक संसाधन थे उसका इंसान ने दोहन किया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे बढ़ करके आएँ और प्राकृतिक संरक्षण करें, प्राकृतिक संसाधनों का जो जितना संरक्षण हो सके उसको करें, उनके दाने पानी की व्यवस्था करें। सर मेरा आखिरी सवाल काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि ये हो गई बंदरों की बात, लेकिन आवारा पशु जो होते हैं, गायें कह लो भैंसे कह लो, जो होते हैं सड़कों पर घूमते हैं, उनको कई बार चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या उनका खाने पीने की व्यवस्था है, तो उनके लिए भी कुछ काम करते हैं आप? आवारा पशुओं के लिए हम लोग काम करते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर हम सब्जी मंडी में जाते हैं ना तो वहाँ कुछ लोग पहचानते हैं, बहुत कम रेट पर हमें सब्जियाँ और सब फल उपलब्ध करवा देते हैं, और अगर किसी को चोट लग जाती है तो हम एनिमल डॉक्टर से मिल करके उनके इलाज की व्यवस्था करते हैं, प्रॉपर व्यवस्था करते हैं, और जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक उनकी निगरानी करते हैं, लगे रहते हैं। तो धीरे धीरे ईश्वर की कृपा ऐसी है कि काम हो रहा है, और आप लोगों का सहयोग है तो और भी अच्छा काम होगा। विज़न क्या लेके चले हैं, कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ तक जाने चाहते हैं? सर विज़न तो कुछ नहीं है, बस लोगों से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। देखिए इंसान है, एक निश्चित समय के लिए आए हैं और फिर जाना है, या जो धरती है हमारी नहीं है, ठीक है, तो ये प्रयास हमारा है कि हम अच्छा काम करें, और आने वाली पीढ़ी के लिए विज़न यही है कि उनको मोटिवेट करें कि वो अच्छा काम करें, प्रकृति संरक्षण करें, माँ बाप की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें, पढ़ाई में अच्छा निकलें, देश का नाम करें, राष्ट्र का नाम करें, ठीक है। हमारा भारत अद्भुत था, संपन्न था, तो अद्भुत है, संपन्न है और रहेगा भी, समृद्धशाली बने, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जाति पाति धर्म मजहब संप्रदाय से उठ करके जब मानव सेवा आप करने निकलते हैं, जब आप पशु पक्षी सेवा करने निकलते हैं, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और ऊपर वाले का हमेशा आप पर आशीर्वाद बना रहता है। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो ये सर डॉक्टर वीपी जो पिछले 13 सालों से लगातार सेवा करते आ रहे हैं, निरंतर जो है पशुओं की पक्षियों की उनके दाना पानी की, और जिस तरीके से तुसी तस्वीरों के भी लगातार देखा असी तुहानू दिखा रहे सीगे कि बंदर जड़े ने वो इत्थे आवारा जड़े जंगलात एरिए सिविल लाइन के किस तरीके इन्हों को मोह दे नाल खाना, और इन्होंने ये भी कहा कि कोई इत्थे हमला नहीं करते जानवर, बिल्कुल प्यार दे नाल खाने की व्यवस्था, और काफ़ी अच्छे इंसानियत नू मैसेज देने वास्ते इन्होंने काफ़ी चंगी जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने। तो तुसी लगातार देख रहे सी दानमूट चैनल, असी भी अपने चैनल के राही कोशिश करांगे इस तरीके के मैसेज जिहड़े आ चंगी सिक्ख्या दे सकन परिवारां नू, लोगों आने वाले समय के उन्होंने एक नवी सेध दे सकन। तो इस तरीके दियाँ स्टोरी जिहड़ी असी लगातार कवरेज करते रहेंगे, और ये जो निरंतर सेवावां है अजे लोग करते हैं, इन्हों का मैसेज जिहड़ा घर घर पहुँचाने की लगातार असी कोशिश करते रहेंगे। कैमरा परसन रविंदर सिंह के नाल, मैं दविंदर सिंह, दान म्यूट दिल्ली।